प्राचीन काल से हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान के सामने संपूर्ण विश्व नतमस्तक होता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश की कंचन काया को रूपान्वित करने वाली युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से हाथ मिला रही है। आज की युवा पीढ़ी जहां स्पाइडरमैन और सुपरमैन को अपनाने की कोशिश कर रही है, वहीं धारावाहिक संकट मोचन हनुमान के माध्यम से युवाओं के मूल प्रेरणा स्रोत चिरंजीवी हनुमान से हम उन्हें परिचित करवा रहे हैं, जो वास्तव में हमारे जीवंत सुपर हीरो हैं। और युगों युगों से लेकर इस कलयुग तक संकट मोचन के रूप में संसार का दुख हर रहे हैं। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान के माध्यम से हम प्रभु हनुमान के पराक्रमी, जितेंद्रिय, विद्वान, धैर्यवान, बुद्धिमान, वीर्यवान एवं क्लेशहर्ता रूप का वर्णन करेंगे, जिससे समस्त युवा वर्ग उनकी कथा से प्रेरित हो और अपने नित प्रतिदिन के जीवन में उनके आदर्शों को सम्मिलित कर हर विकार से मुक्त हो, स्वच्छंद उड़ सके। हमने इस धारावाहिक के प्रस्तुतिकरण में प्राचीन काल से चली आ रही कथा बांचने की शैली को चुना है, ताकि धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का विस्तृत रूप से विश्लेषण कर सके। अंततः हमारा उद्देश्य है कि हम प्रभु हनुमान के जीवन रस को गंगा जल की भांति सरल रूप से अपनी आत्मा में उतार सके। तो आइए नतमस्तक होकर हम श्री राम दूत हनुमान की कथा देखें और सुने और अपने आप को उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। हर दिन मंगल करने वाले मंगल के अवतारी, संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान, जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। तेजमयो देवा महावीरो महाबला, ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन, अंजनि सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान, जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे, ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान, जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान। हे गौ माता, जल्दी खा ले, आरती का बखत हो गया है। चलो चलो, पंडित जी ने शंख ध्वनि छेड़ दी है, चलो चलते हैं। राम वरण जी, जल्दी से मोती चूर के लड्डू हमें बांध के दीजिए, आरती का समय हो रहा है। अरे चुनिया, तू भी चलेगी का आरती में? बाबूजी, मैंने तो आरती की तैयारी कर भी ली। अरे वाह, तो चल आ जा।
बोल संकट मोचन हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने पुंजकस्थला को वचन दिया था कि जब वह पृथ्वी लोक में अंजना के रूप में जन्म लेंगी तो उनके गर्भ में हनुमान के रूप में उनका ही अंश होगा। बोल संकट मोचन हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि आज से संकट मोचन हनुमान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि पंडाल में जाकर अपना अपना आसन ग्रहण करें। अरे हनुमान जी की कथा हम तो अवश्य सुनेंगे। हाँ हनुमान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल रुद्र रूप हनुमान की जय। तो कथा प्रारंभ करें। जी पंडित जी। अभी जब हमने हनुमान जी की जय जयकार लगाई तो उन्हें चार नामों से संबोधित किया। क्या आप लोग बताएंगे कि वो चार नाम कौन से थे? अंजनी पुत्र केसरी नंदन पवन सुत और रौद्र। रौद्रेय अति उत्तम। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बजरंगी। बजरंगी, तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि हम उन्हें इन चार नामों से क्यों पुकारते हैं। जी, अंजनी पुत्र इसलिए क्योंकि उनकी माता का नाम अंजनी था। केसरी नंदन इसलिए क्योंकि उनके पिता का नाम केसरी था। पवन सुत इसलिए क्योंकि उनके धर्म पिता स्वयं वायुदेव हैं। और राज्य का मुझे नहीं पता। बजरंगी, रौद्रेय इसलिए कहा जाता है कि वो शिव के अवतार हैं। बैठ जाओ बजरंगी। तो सबसे पहले हम ये कथा कहां से प्रारंभ करें? पंडित जी, उनकी माता की कथा से कीजिए ना। अवश्य। अभी अभी बजरंगी ने बताया कि हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। तो क्या वो सचमुच वानरी थी? अंजनी या अंजना कोई साधारण वानरी नहीं थी। वो एक अप्सरा थी जो पुंजकस्थला के नाम से जानी जाती थी और कैलाश पर्वत पे रहकर माता पार्वती की सेवा किया करती थी। पुंजकस्थला। जी माता। आज बहुत खेल रही हो, तुम्हें देख कहीं कोई वज्रपात ना हो जाए। अच्छा ये लो, ले जाओ और ये फल शिवजी को दे दो, उनके भोजन का समय हो गया है। जो आज्ञा माते। हाँ
प्रणाम प्रभु। कैसी विद्युत गर्जना, कहीं भोले भंडारी कुपित तो नहीं हो गए? पुंजक स्थला से कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है? शिव जी ने पुंजक स्थला को वचन दिया था कि जब वो पृथ्वी लोक में अंजना के रूप में जन्म लेंगी तो उनके गर्भ में हनुमान के रूप में उनका ही अंश होगा। थोड़ी सी हंसी छिठोली क्या कर ली? तुम मुझसे मेरा मान छीनने को आतुर हो गई? तुमने घोर अपराध किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम शीघ्र अति शीघ्र अपना वर्तमान रूप त्याग कर एक वानरी बन जाओ। ना ही तुम्हारा ये दिव्य रूप होगा और ना ही तुम इसका कहीं अन्यथा प्रयोग कर पाओगी। नहीं माते, नहीं, मैंने कोई अनर्थ नहीं किया है माते। वो तो विद्युत और गर्जना से मैं डर गई थी और भोले बाबा की शरण में चली गई थी। कथा गढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम उनकी शरण में नहीं थी, तुमने उनका आलिंगन किया था। तुम्हारे स्पर्श का अभिप्राय कुछ और ही था। प्रिय, पुंजक स्थला सत्य कह रही है। जैसे एक बालक अनहोनी की वेला में अपनी माता के कलेजे से लिपट जाता है, वैसे ही पुंजक स्थला ने मेरा आलिंगन किया था। माते, मुझे स्वयं से दूर न करें। जीवा से निकली हुई बात अब वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए मैं कहता हूं उचित और अनुचित का निर्णय शांत मन से लेना चाहिए। परंतु अब क्या, अवघर्दानी, मैं आपसे और माता से दूर नहीं होना चाहती। पुंजक स्थला, जीवन एक चक्र है और हमें अपने कर्मों का माप रखते हुए इसका निर्वाह करना पड़ता है। तुम्हारे वानरी जीवन का भी उद्देश्य है, इसलिए तुम प्रसन्नता से उसे स्वीकार करो। और पुंजक स्थला, ये सत्य जानने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में तुम्हारा जीवन साथी प्रदान करती हूँ।
तुम वानरराज केसरी की रानी अंजनी के रूप में जानी जाओगी। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरा स्वरूप तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। इस तरह पुंज का स्थला जो एक अप्सरा थी अंजनी बन गई। अंजनी यानी कौन? हनुमान जी की माँ। फिर आगे क्या हुआ पंडित जी? क्या माता अंजनी धरती पर आई और शिव का जन्म हनुमान के रूप में हुआ? ये दैविक घटनाएं इतनी आसानी से नहीं होती, हर घटना के पीछे एक घटना होती है जो निर्णायक घटना की ओर अग्रसर करती है। समय बीतता गया और इस तरह त्रेता युग का आगमन हुआ। परम पिता ब्रह्मा ने यह घोषणा की कि श्री हरि राम अवतार के रूप में पृथ्वी लोक पर आगमन कर रावण का वध करेंगे। ये बात सुनकर महर्षि नारद उत्सुक हो गए। संकट मोचन जय हनुमान। शिव जी ने पुंज कस्तला को वचन दिया था कि जब वह पृथ्वी लोक में अंजना के रूप में जन्म लेंगी तो उनके गर्भ में हनुमान के रूप में उनका ही अंश होगा। संकट मोचन जय हनुमान। ये बात सुनकर महर्षि नारद उत्सुक हो गए। देवी क्या बात है, आज आप किसी गहन विचार में डूबी दिखाई देती हैं, क्या समस्या है? प्रभु आपके समीप रहते किसी को क्या समस्या हो सकती है? बस मैं तो ये सोच रही थी कि शीघ्र ही त्रेता युग का आरंभ होने वाला है और आप मृत्यु लोक में राम के रूप में अवतार लेने वाले हैं। आप जो सोच रही हैं शीघ्र ही सत्य होने वाला है। मृत्यु लोक पर शीघ्र ही राम राज्य आने वाला है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। नारायण नारायण। अरे महर्षि जी आप? क्षमा चाहता हूँ प्रभु, किंतु भविष्य की चिंता ने मुझे आपके दर्शन करने के लिए विवश कर दिया। जैसे ही मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप त्रेता युग में भगवान राम का अवतार लेने वाले हैं, वैसे ही मेरे मन में ये चिंता उठी कि अब शेषनाग का क्या होगा। किंतु महर्षि जी, शेषनाग के विषय में आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? जहां हम रहेंगे शेषनाग हमारे साथ ही रहेंगे। किंतु प्रभु, मृत्यु लोक में आपके साथ शेषनाग कैसे और किस रूप में रहेंगे, इस जिज्ञासा का अंत करने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ। जब हम राम अवतार के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे तब शेषनाग लक्ष्मण के रूप में सदा हमारे साथ रहेंगे। नारायण नारायण। प्रभु की लीला अपरंपार है। शेषनाग के विषय में तो पता चल गया, किंतु भगवान शिव के विषय में अभी भी मेरे मन में शंका है। भगवान शिव आपके साथ किस रूप में रहेंगे प्रभु? आप शांत क्यों हो गए प्रभु? महर्षि जी के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? संकट मोचन हनुमान के रूप में। संकट मोचन हनुमान के रूप में? हाँ, हनुमान के रूप में। शिव जी ने पुंज कस्तला को वचन दिया था कि जब वह पृथ्वी लोक में अंजना के रूप में जन्म लेंगी तो उनके गर्भ में हनुमान के रूप में उनका ही अंश होगा। और शिव जी का अवतार समस्त पृथ्वीवासियों के लिए हनुमान के रूप में अजर अमर रहेगा। नारायण नारायण। अब मेरी समस्त चिंताओं का निदान हो गया है प्रभु, किंतु भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, कदाचित वो अपना वचन भूल गए हैं।
उन्हें पुंज कस्तला को दिया गया वचन किस तरह याद दिलाया जाए प्रभु? इस समस्या का निदान कृपा करके आप ही ढूंढ निकालिए महर्षि जी। कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे शिव जी को अपने दिए हुए वचन की स्मृति हो जाए। नारायण नारायण, नृत्य प्रभु नृत्य। देवी नटराज, आप? आपको मेरे साथ नृत्य करना होगा देवी। नृत्य? सदियों बाद हमारे मन में नृत्य की ज्योत जगी है, क्या आप हमारी इच्छा पूरी करेंगी देवी? अवश्य प्रभु अवश्य। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Day.